हॉर्टिकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट ट्रीज इन स्मॉल एरियाज, विच डील्स विद द ग्रोइंग ऑफ फ्रूट ट्रीज, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्रूट ट्रीज, ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन अ स्मॉल लैंड एरिया, इन अ स्मॉल लैंड एरिया। ठीक है बेटा, बेटा यस मैम, एक मिनट, वो बच्चे ना भी दिखें तब भी हमें क्लियर हो जाता है, इसलिए जो कोऑर्डिनेटर है मैम, आप प्लीज थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखना क्लास में, बाकी हम करते हैं, ठीक है? इतनी देर बाकी का हो जाएगा। हाँ जी हरसिमरत बेटा, क्वेश्चन नंबर टू। यस बेटा व्हाट इज एक्स? यहाँ पे प्लॉइंग है, लेवलिंग है, फिर एक्स है, एक्स क्या है, फिर सोइंग सीड्स एंड फिर इरिगेशन। ड्रिलिंग। नहीं बेटा, ड्रिलिंग तो कुछ होता ही नहीं है। देखो अब पता क्या बात है कि आपकी बुक में या कुछ बुक्स में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो मैन्यूरिंग, बिल्कुल ठीक है। बैठो बेटा, सॉइल प्रेपरेशन कुछ बुक्स में है कि इसके बाद मैन्यूरिंग होती, तो आई होप यही है, उसके बाद सीड सोइंग, देन ट्रांसप्लांटेशन, सॉरी सीड सोइंग के बाद, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा आ गए हो बेटा, तुम दिख गए मुझे। सीड सोइंग के बाद जो है इरिगेशन, देन हार्वेस्टिंग, देन स्टोरिंग, यही है ना बेटा? यस और कई बुक्स में क्या है कि इस मैन्योरिंग को यहां पे शिफ्ट कर दिया है, सीड सोइंग के बाद मैन्योरिंग, तो दोनों जगह हो सकती है। और इनफैक्ट हमें दोनों बार, पहले जब हम सॉयल प्रिपेयर करते हैं, आपके तो फील्ड्स होंगे, आपको पता है कि जब हम सॉयल प्रिपेयर करते हैं तो हमें साथ में जो है थोड़ी मैन्योर खाद डालनी पड़ती है, उसके बाद जब हम प्लांट्स लगा देते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, तब भी हम थोड़ी थोड़ी खाद डालते हैं, यस और नो, यस है ना? तो चलो दोनों तरफ ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटा, दैट इज मैन्योरिंग, राइट? देन क्वेश्चन नंबर थ्री, सौरभ सौरभ, क्वेश्चन नंबर थ्री आ जा बेटा जल्दी से। एग्रीकल्चरल टूल यूज्ड टू लेवल द फील्ड इज, हेलो बेटा हैरो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसके दो आंसर्स बनते हैं, हैरो एज वेल एज लेवलर, राइट? ठीक है जी, चलिए बैठो बेटा, वेरी गुड। हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ, तनीषा, द एडवांटेज ऑफ प्लॉइंग इज, जल्दी से भाग कर। बस जो इधर देखो, किसी से बातें नहीं, अपने आप। प्लॉइंग में हम, आपको पता है कि मिट्टी ऊपर नीचे करते हैं, राइट? तो आप बताओ कि क्या फायदा है प्लॉइंग का? हाँ जी मैम बेटा, हाँ मैम सी सी है, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल बैक्टीरिया। बेटा हम जो है, देखो इधर देखो तनिषा, इधर बेटा स्क्रीन की तरफ, हम प्लॉइंग में क्या करते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, टर्न अराउंड, यस और नो? मिट्टी उसके बाद ढीली भी पड़ जाती है क्योंकि पहले सख्त होती है, फिर हम उसको खोदते हैं, यही होता है ना, ढीली भी पड़ जाती है, राइट? तो ढीली भी पड़ गई, जब ढीली पड़ेगी, अब मुझे बताओ एक बहुत सख्त मिट्टी है और एक ढीली मिट्टी है, किसमें रूट्स पेनिट्रेट करेंगी, लूज सॉयल और हार्ड सॉयल? लूज। लूज सॉयल में पेनिट्रेट करेंगी, क्योंकि
क्यों? एक तो उनको जगह मिलेगी। अच्छा अब मुझे बताओ कि लूज सॉयल में एयर ज्यादा होगी कि हार्ड सॉयल में एयर ज्यादा होगी? हार्ड हार्ड में एयर। बेटा मुझे ये बताओ कि नहीं, आप एक मिनट उसको तनिषा को, एक अलग अलग पार्टिकल्स दूर 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 है, या आप में ना यहाँ 40 स्टूडेंट्स है या 100 स्टूडेंट्स हो जाए, ठसा ठस भरे हो, तो सफोकेशन कब होगी? आपको सांस लेने में तकलीफ कब होगी? यस कब होगी? जब 100 लोग हों कि जब 40 लोग हों? जब 100 पीपल आपकी क्लास में हो तब आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, कि जब 40 स्टूडेंट्स हो दूर दूर बैठे हुए हो तब सांस लेने में तकलीफ होगी? मैम, जब 100 स्टूडेंट्स हो। जब 100 स्टूडेंट्स हो, इसका मतलब तब अब तुम हार्ड हो गए हो, यस और नो? तो मैम अब मुझे बताओ हवा किसमें ज्यादा होगी, लूज सॉइल में कि हार्ड सॉइल में? लूज में। लूज सॉइल में, राइट? तो लूज सॉइल में एरेशन, एरेशन मीन्स एयर है, लूज सॉइल में रूट्स पेनिट्रेट करेंगी और रूट्स को सांस भी ले लेंगी और फिर बैक्टीरिया भी सांस ले लेंगे, यस और नो? तो आंसर क्या आएगा तनीषा? मैम बी नहीं आएगा बेटा। देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया, इट अलाउज द पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स। जब हम प्लॉइंग करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को नरम कर रहे हैं, सॉफ्ट कर रहे हैं, पोरस कर रहे हैं, ठीक है? तो रूट्स भी जाएंगी, एरेशन भी होगी और फिर बैक्टीरिया भी ग्रो करेंगे, तो आंसर आ जाएगा डेल्टा, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने ये बोला है तो आंसर यही है, ओके ठीक मैम। है? ये ठीक है तनिषा, बैठो बेटा। सो बेटा ये ना मुझे बहुत स्कूलों में, जबकि मुझे ये लगता था कि ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बट मुझे बहुत स्कूलों में जो है ये बच्चों को प्रॉब्लम आई है कि वो इसी तरह से अच्छे अच्छे भी कि प्लोइंग का प्लोइंग, ध्यान से सुनना है, मेक्स द सॉइल सॉफ्ट एंड पोरस। पोरस का मतलब होता है जैसे स्पॉन्जी होती है ना, बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स है, हार्ड में तो आप देखो कि एकदम हार्ड हो जाती है, राइट? मोर एयर इन प्लॉड सॉइल, ठीक है, रूट्स कैन इजीली पेनिट्रेट एंड ब्रीथ, और फिर आ जाते हैं ग्रोथ ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया। सो आंसर हेयर इज ऑल ऑफ दीज, राइट? लेट मी चेक, एक मिनट जरा। चलिए चलिए कोई बात नहीं, ये मेरा काम था रिकॉर्डिंग का। आप चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। जल्दी से करो, बातें बिल्कुल नहीं। हाँ इम्पोर्टेंट जी बेटा, फिफ्थ करो, सिक्स करो, ये दो करो, फाइव एंड सिक्स। हाँ जी बेटा, एट्थ ए बी में से जिस जहां पर माइक पड़ा हुआ है वो स्टूडेंट मुझे बताए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। मैम बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी, अर्थवर्म्स आर फार्मर्स फ्रेंड्स एज दे, एक तो हमने कहा है डिकम्पोजिशन और तीसरा है बरोज में। बिल्कुल ठीक है कि अर्थवर्म्स क्या करते हैं बेटा, एक तो वर्मी कंपोस्ट, ये तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं और वहां पे बहुत सारे अर्थवर्म्स डाल देते हैं, तो वो उसकी कंपोस्ट मेन्योर बना देते हैं,
राइट, दे हेल्प्स इन डीकम्पोजिशन ऑफ दिस डेड मैटर। और दूसरी चीज है कि देन, एक मिनट, मैम एट सी इज ऑल्सो सिटिंग हियर। यस मैम, एट ए एंड सी इज सिटिंग हियर, बी, ओके ओके मैम जी। तो और दूसरा क्या करते हैं, क्योंकि वो सॉइल में बरोज बनाते हैं, राइट, तो जब वो बरोज बनाते हैं तो नीचे की सॉइल जो है वो ऊपर लेते हैं, इस तरह से दे मेक्स द सॉइल पोरस। वेरी गुड, सो आंसर इज फिफ्थ का डी ऑप्शन। वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, एट्थ बी, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्वेश्चन नंबर सिक्स, जल्दी से भाग कराओ। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, टिलिंग एंड प्लोइंग। यस, इट इज टिलिंग एंड प्लोइंग। सबको क्लियर है बेटा ये? यस। ठीक है, एट्थ ए सी को, ओके चलिए जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, अब सेवेंथ एट नाइन्थ हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर टेंथ की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर टेंथ की अगर हम बात करें तो किस फील्ड में, एक ये फील्ड है मेनी प्लांट्स ग्रोन वेरी क्लोज टू ईच अदर, और एक ये फील्ड है बी फील्ड, सेम साइज है फील्ड का, मेरे से तो चलो ऊपर नीचे हो गया बट सेम साइज है, फ्यू प्लांट्स grown at a distance, which has more productivity? Yes, eighth A में से, वैसे तो उठना आपके लिए बहुत मुश्किल है but anybody who can tell me, हाथ खड़ा करो eighth A। Yes, यहाँ पे first student है, first bench पे first student है corner में, हाँ जी, कौन सा answer आएगा बेटा जल्दी से? मैम बी, फार्म ऑफ बी में। ऐसा क्यों मैम? बिकॉज देयर आर गैप्स बिटवीन द मैम क्रॉप्स। उससे क्या होगा मैम? दिस मैम दैट क्रॉप विल गुड। कैसे? मेरा मतलब डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस पे है, यहाँ पे क्रॉप कैसे बेटर है, यहाँ पे क्रॉप बेटर क्यों नहीं है? Ma'am, because the ma'am in first farm there is no gap, ma'am, and in second there is gap between the. आप बैठो, मैं थोड़ा सा इसको समझाती हूँ। वेरी गुड, वैसे शायद आपको पता भी हो कि जब हम एक पेरेंट्स के, एक कपल है ना, हम कहते हैं दो ही बच्चे अच्छे, दो के बीच में गैप हो, है ना, तो क्या होता है कि भी अगर एक कपल के छह सात आठ बच्चे हो जाएं और गैप भी ज्यादा ना हो, एक एक साल में जो है सात आठ बच्चे हो गए, तो क्या होगा, वो आपस में क्या करेंगे, रोटी के लिए लड़ेंगे कि नहीं? एक कपल है, कितना कमा लेगा, अंबानी तो है नहीं सारे, है ना। तो अगर हम जैसे, जिसे मेरी, आई हैव वन डॉटर, इफ आई हैव टेन चिल्ड्रन, ठीक है, जब हम एक लड़की को लिए हम खरीदते हैं चीजें, अच्छा बेटा ये महंगी है, नहीं इतना नहीं, ये नहीं, आज पिज्जा रहन दे, है ना, आज हम यही खा लेते हैं, अभी हम ये भी सोचते हैं, और अगर यही दस होते तो क्या वो आपस में लड़ते ना रोटी के लिए, है ना, एक पिज्जा आ जाता तो बेचारे के चीथड़े उड़ जाते, है कि नहीं? यस और नो, है ना, वो तो बेचारे लड़ लड़ के रह जाते, मैंने खाना है मैंने खाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पे बिकॉज प्लांट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यू मस्ट बी नोइंग, बट एक टेक्निकल लैंग्वेज में क्या है, दे विल कम्पीट विद ईच अदर फॉर सनलाइट, फॉर न्यूट्रिएंट्स, राइट, एंड इन दिस कॉम्पिटिशन दे डू नॉट हैव मच प्रोडक्टिविटी, वेयर एज हेयर द प्लांट्स आर गेटिंग सफिशियंट सनलाइट, सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स, इज इट ओके? ठीक है, तो आंसर बी जो है वो करेक्ट है, दैट इज फार्म ऑफ मनोज जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी, बिकॉज
All plants will get sufficient light and nutrients. इसके साथ ही लिख लो in farm A. ये technical सी language है इसलिए आप कर लो. Plants will compete with each other. For light and nutrients. Write it. Everyone should write it. Okay. Okay. नेक्स्ट आ जाता है बेटा, एक क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए बेटा. पहले हाँ जी ये कीजिए. एट्थ बी में से कोमलप्रीत आएगी बेटा आगे और वो मुझे 19 क्वेश्चन का आंसर बताएगी. मैम बी आंसर इज बी. बी आपने कहा है रूट्स कैन नॉट ब्रीद इन एक्सेसिवली इरिगेटेड प्लांट्स. हाँ जी व्हाट अदर पीपल से एट्थ बी एनी डिफरेंट आंसर. बैठो बेटा कोमलप्रीत लेट्स सी. Any different answer? Eighth, A and C. Can speak out, ma'am. D. Is B. Eighth B में से किसी ने बताया कि eighth A and C में से किसी ने बताया D answer? Ma'am, eighth C. Eighth C में से बताया D. हाँ जी, जिस student ने बताया बेटा वो मुझे थोड़ा सा explain कर दो बच्चे. हाँ, बोलो बोलो. मैम क्योंकि वो सभी लाउडली मुझे सुन रहा है बेटा बोलो बोलो. मैम वो सभी इसके लिए हार्मफुल है. नहीं आप इस असाइनमेंट छोड़ो सामने देखो और फिर बताओ कि अगर हम एक्सेस इरिगेशन सॉइल में बहुत सारा पानी डाल देंगे तो उससे क्या होगा. इन जनरल मुझे हिंदी पंजाबी इंग्लिश किसी चीज में समझा दो. मैम उसको सांस लेने में तकलीफ होगी क्यों होगी. क्योंकि उसके वाटर ज्यादा उसको उनको दे दिया उससे क्या हुआ. उनकी ब्रीथ रुक गई. कैसे रुक गई. मेरा मतलब पानी तो देखो देते ही है ना. ज्यादा पानी देने से ब्रीदिंग कैसे रुक गई प्लांट्स की. चलिए मैं थोड़ा सा समझाती हूँ आपको. वेरी गुड आपने आंसर ठीक दिया. क्वेश्चन नंबर 19 ऑल सेक्शंस आंसर इज डेल्टा. लेट मी एक्सप्लेन हाउ इट हैपन्स. अब क्या होता है बेटा जब हम लिमिटेड पानी डालते हैं बहुत सारा पानी नहीं डालते. ठीक है अगर हम कहें कि अगर हम सफिशिएंट इरिगेशन करते हैं. ये सॉइल है हमने पानी डाला तो इसमें से कुछ वाटर तो नीचे चला गया. जो हम वाटर टेबल की बात करते हैं थोड़ा सा तो पानी नीचे चला जाता है. यस और नो. जब हम गमले में डालते हैं पानी तो आपने देखा है ना कि वो पानी नीचे से निकल आता है. यस और नो. इसी तरह से सॉयल्स में भी जब हम डालते हैं जो हम खेतों में या कहीं तो वो थोड़ा सा तो नीचे चला जाता है. एंड सम इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट राइट. बट यही चीज अगर हम एक्सेस इरिगेशन करें तो अगर हम ये करते बहुत सारा पानी डाल दें तो क्या होगा. कुछ तो नीचे चला जाएगा कुछ इधर चला जाएगा और बाकी का पानी कहाँ जाएगा बेटा.
बाकी भी तो इतना सारा डाला हुआ है, वो कहाँ जाएगा बेटा? तो वो क्या करता है? दिस वॉटर इट एंटर्स या फिल्स द एयर स्पेसेस इन सॉइल। हम बेटा एक गिला ग्लास है, हम खाली ग्लास कैन वी से। अब आप ये हो पता चल गया आपको कि एक गिलास पानी नहीं है, उसमें कोई सॉलिड नहीं है, पानी नहीं है, कोई फ्लूइड नहीं है, तो फिर भी हम कहेंगे कि वो खाली गिलास है, यस और नो? नहीं, हम खाली नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें एयर होती है। जब हम पानी भरते हैं तो एयर बाहर निकल जाती है और पानी उसमें भर जाता है, यस और नो? डू यू एग्री एवरीबडी? एट बी तो ऐसे ही जब हम बहुत इरिगेशन करते हैं तो दे फिल द एयर स्पेसेस, एयर बाहर चली जाती है और जो उसके अंदर एयर स्पेसेस है उसमें पानी भर जाता है, राइट? और अगर आप हम ये देखें, हम पानी में क्यों मर जाते हैं? जब हम पानी में, अगर हमें स्विमिंग नहीं आती तो हम क्यों डूब जाते हैं? क्योंकि हमें सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलती, यस और नो? ठीक है ना? तो यही चीज प्लांट्स को है कि अगर वहां पर हवा खत्म हो जाएगी सॉयल में, उनकी जगह पानी आ जाएगा, तो प्लांट्स कैन नॉट ब्रीथ, क्योंकि वो एक्वेटिक प्लांट्स नहीं है, पानी वाले ना हम पानी वाले जानवर है कि पानी में ब्रीथ कर सके, ठीक है? इसलिए हम मर जाते हैं अगर हम डूब रहे हैं तो। और इसी तरह से प्लांट्स को, जो हमारी जमीन पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, अगर एयर स्पेसेस में पानी भर जाए तो उनको हवा नहीं मिलती, दे डू नॉट गेट द एयर टू ब्रीथ, सो दे डाई। सो व्हाट हैपेंस दैट इफ देयर इज, ध्यान से सुनना है, इफ देयर अकर्स एक्सेस इरिगेशन, फर्स्ट पॉइंट व्हाट विल हैपन दैट एयर स्पेसेस गेट्स फिल्ड विद वॉटर। बॉयज इधर देखो, एट ए सी इधर पीछे वाले रो के बॉयज है ना, बिल्कुल इधर, तो वहां पे द एयर स्पेसेस इन द सॉइल गेट्स फिल्ड विद वॉटर, ड्यू टू विच, सेकेंड पॉइंट क्या है, ड्यू टू विच रूट्स कैन नॉट ब्रीथ, दे डाई, एंड सच सॉइल्स आर कॉल्ड एज वॉटर लॉग्ड सॉइल्स। सच सॉइल्स, कौन सी सॉइल्स, इन विच द एयर स्पेसेस गेट्स फिल्ड विद वॉटर आर कॉल्ड एज वॉटर लॉग्ड सॉइल्स, राइट? तो हम क्या कहेंगे, एक्सेस इरिगेशन कॉजेस फर्स्ट है वॉटर लॉगिंग। इससे क्या हुआ, स्टेप्स ही याद रखने हैं, वॉटर लॉगिंग किसके कारण हुई, एयर स्पेसेस इन सॉइल गेट्स फिल्ड विद वॉटर, उससे क्या हुआ, रूट्स डू नॉट गेट एयर टू ब्रीथ, उससे क्या हुआ, डेथ ऑफ प्लांट्स। तो ये स्टेप वाइज चीजें हैं अगर हम एक्सेस इरिगेशन करते हैं। कोई बच्चा ऐसा तीनों सेक्शंस में जिसको ये चीज नहीं समझ आई हो, रेज योर हैंड्स जल्दी से, एनीबडी हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस, गॉट इट? अब बस असाइनमेंट में इसके साथ ही लिख दो कि एक्सेस इरिगेशन कॉजेस, ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग का क्या मतलब है, ये मतलब है, इसका क्या इफेक्ट होता है, ये होता है जिसके कारण डेथ ऑफ प्लांट्स हो जाती है। जल्दी से लिख लो,
बेटा इसके बाद ये टेस्ट लेना है हमने, ठीक है? तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए एंड एवरीबडी शुड गेट फुल मार्क्स। नेक्स्ट वीक इसी चैप्टर का टेस्ट होगा आपका, इजी सा चैप्टर है, मुश्किल है ही नहीं, यस और नो? बेटा अब तो तुम्हारे मैक्सिमम नंबर आने चाहिए, बट अगर समझ के, यू नो 70% मार्क्स एमसीक्यूज है, बट उसमें रीजन असर्शन है, कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है? तो ये चीजें आनी चाहिए, ओके? चलिए, अब बेटा नाउ टेल मी कि विच गैस इज मैक्सिमली प्रेजेंट इन द एयर? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तब भी हम सॉयल में यूरिया डालते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ऐसा क्यों है? व्हाई? एनीबडी? एट बी, प्लांट्स एयर में से ले नाइट्रोजन और यूज कर ले, इतनी सारी नाइट्रोजन है, ठीक है? क्यों हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स डालनी पड़ती है? पहली बात तो ये। दूसरा या फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन? यस, हु कैन टेल मी व्हाई प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन? रितिका, एट्थ बी। मैम क्योंकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। मैम कौन से न्यूट्रिएंट के लिए उन्हें नाइट्रोजन चाहिए? बैठो रितिका, एनीबडी हु नोज? सिक्स्थ क्लास में आपने पढ़ा है बेटा, ध्यान से, कि प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स वो बनाते हैं, उनको चाहिए नहीं है, ठीक है? बट ये अगर हम मिनरल्स तो वो सॉइल से ले लेते, दैट इज, ये तीन मेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यस और नो? यस ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स सच एज ग्लूकोज, स्टार्च, और भी बहुत होते हैं, बट ये मेन है। यू नो दीज आर फॉर्म्ड बाय फोटोसिंथेसिस, यस और नो? यस एंड दे कंसिस्ट ऑफ, समझना है, माइंड में बिठाना है, लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में आपके छप जानी चाहिए ये चीजें। ये क्या है? इट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यस और नो? है ना? अगर आपको, डू यू रिमेम्बर द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? सेवंथ में पता है आपको, है यस ना? तो क्या है? C6। यस तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, यस और नो? यस ये जो दो है, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये तो बन गए फोटोसिंथेसिस से, ये कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को ही थोड़ा बहुत तोड़ा, उनमें कुछ ऐड किया, ये वो करके कार्बो, प्रोटीन्स एंड फैट्स बन जाते, राइट? बट अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज प्रोटीन्स, यस और नो? यस और प्रोटीन्स में याद रखना है कि इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दे रिक्वायर नाइट्रोजन ऑल्सो। तो वाई प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन होता है, इज इट ओके? लिखो अब असाइनमेंट पे,
प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन, प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड क्लोरोफिल. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन लिखो साथ में, असाइनमेंट में जगह है ठीक है, नहीं तो ऊपर नीचे करके असाइनमेंट में ही लिखो तो बेटर है क्योंकि वो दिख जाएगा. ऑल्दो एयर हैज, क्वेश्चन ये है, ऑल्दो एयर हैज 78% नाइट्रोजन, बट प्लांट स्टिल रिक्वायर, प्लांट्स स्टिल रिक्वायर सो मच नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, सो मच नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वाई. तो आंसर इसका है द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज N2, ब्रैकेट में ये लिख लेना N, थ्री बॉन्ड्स है और फिर N. लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपकी मैम पूछ सकती है. N2 that is this, which is inert. इनर्ट मीन्स अपने में रहती है, वो किसी से काम नहीं करती, विच इज इनर्ट. देयरफोर प्लांट्स कैन नॉट एब्सॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये नहीं यूज कर सकते, तो फिर नाइट्रोजन कहां से आती है? प्लांट्स एब्सॉर्ब नाइट्रेट, याद रखना है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है नाइट्रेट, और ब्रैकेट में अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो NO3 यहाँ पे ऊपर नेगेटिव लिखना है, ये बाद में बताएंगे क्यों नेगेटिव हम लिखते हैं. NO3 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ये फेल हो गया बेचारा, नहीं ठीक है, ऐसा फेल वाला काम नहीं है इसका, ये बहुत रिक्वायर्ड है. सो प्लांट्स एब्सॉर्ब नाइट्रेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल. ठीक है, तो अब ये नाइट्रेट्स आए कहां से? एक तो हम यूरिया डाल देते हैं, उससे नाइट्रेट्स बन जाते हैं, बट कितने का? फिर भी हम कुछ और भी तो तरीका होगा, तो याद रखो सम सॉइल बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स विच आर या विच इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स.
ठीक है, वो क्या करते हैं, एटमोस्फेरिक सोयल बैक्टीरिया जो है वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं एंड कन्वर्ट्स दिस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स इन सोयल. Which is absorbed by plants. Plants also absorb nitrogen from fertilizers, nitrogenous fertilizers. ठीक है, तो अगर प्लांट्स ने, या तो जो हमारे किसान है वो बहुत अमीर हो, है ना, बहुत सारा पैसा है तो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स पे पैसा खर्च करें और वो डालें, बट फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, यू नो दे हार्म क्रॉप्स एज वेल एज सॉइल. तो व्हाट इज द देन अदर ऑल्टरनेटिव, अदर ऑल्टरनेटिव इज कि जो सॉइल बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन बनाया, नाइट्रेट्स बनाया है, वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करें. बट कैसे, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. इज इट ओके? ठीक है, तो अब आपने, आपका क्या काम है बेटा, क्योंकि हमने मैक्सिमम काम नेक्स्ट टाइम करना है, दैट इज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स पे हमने काम करना है, सॉरी नाइट्रोजन साइकिल पे हमने काम करना है ना, सिम्बियोटिक लेग्यूमिनस क्रॉप्स के बारे में हमने काम करना है. ठीक है, तो आपने पहले ये असाइनमेंट आज करके आनी है. यू विल फाइंड फन, आपको मजा आएगा ये असाइनमेंट करते हुए. ठीक है, ये आपने करके आनी है और अगली बार जो है मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल जो है वो पूरी एक्सप्लेन करूंगी. इज इट ओके? ठीक है, मजा आया आज, पता चला कुछ थोड़ा सा? आपको बेटा सब कुछ आता है, मैंने ये देखा कि आप, ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, बट वट इज माई बग कि उसके पीछे की जो थोड़ी थोड़ी रीजनिंग है वो मैंने आपको करवा दी. यस, और जब आपको रीजनिंग पता होगी तो फिर आप कभी भूलोगे नहीं. ठीक है, प्लोइंग का क्या फंक्शन है पता चल गया? जल्दी से ए बी वाले बोलेंगे, फर्स्ट फंक्शन प्लोइंग का क्या है, क्या करते हैं वो? मेक द सोयल लूज एंड पोरस. दूसरा क्या काम है, एयर ज्यादा करते हैं कि कम करते हैं? प्लॉट सॉइल हैज मोर एयर. द रूट्स पेनिट्रेट इजिली इन प्लॉट सॉइल की हार्ड सॉइल? हार्ड नहीं बेटे, प्लॉट सॉइल. रूट्स पेनिट्रेट इजिली इन प्लॉट सॉइल. इज इट ओके? इन विच टाइप ऑफ सॉइल द बैक्टीरिया ग्रोज बेटर, प्लॉट सॉइल की हार्ड सॉइल? बेटा जहाँ पे हवा ज्यादा होगी सबको सांस तो वहीं ज्यादा आएगा. ओके, हार्ड सॉइल में हवा नहीं है, बस सिर्फ ये याद रखना, जहाँ पे हवा है वहां पे लाइफ है. ओके ठीक है जी, चलिए. ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय. ठीक है, और ये होमवर्क सबने करके आना है. विल यू डू? ओके जी, थैंक यू, थैंक्स टीचर्स. Thank you, ma'am.